जस्ट 3 महीने पहले शाओमी ने रेडमी नोट 5 को लॉन्च कर दिया था इंडिया में, जिसके अंदर हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और उसमें मेटेलिक डिजाइन देखने को मिलता है, बट रेयर में डुअल कैमरास देखने को नहीं मिलते। 3 महीने बाद आज फिर उसी प्राइस सेगमेंट में शाओमी ने लॉन्च कर दिया है रेडमी Y2 को। मैं जो मॉडल यूज कर रहा हूँ इस वीडियो में, उसमें 3GB रैम 32GB स्टोरेज है और इसका प्राइस 10,000 रुपीज़ है। इस फोन में हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है रेयर में, और फ्रंट में AI फ्रंट कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल। आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस फोन का फुल रिव्यू, और इस वीडियो में मैं 10,000 रुपीज़ वाले मॉडल की ही बात करूंगा। जहां तक रही बात 13,000 रुपीज़ वाले मॉडल की, उसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, बट वो फोन मैं आपको पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज 2,000 रुपये और डाल के आप Redmi Note 5 Pro कंसिडर कर सकते हो, जिसमें बेटर बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और जो हार्डवेयर है वो भी उसका बेटर है Redmi Y2 से। अब बात करें अगर इस फोन की डिस्प्ले की, तो फ्रंट में हमें 6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये एक IPS डिस्प्ले है। जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है बट बहुत बुरा भी नहीं है। एक जो मेन प्रॉब्लम मुझे इस फोन में देखने को मिली कि जब आप डायरेक्ट सनलाइट में इस फोन को यूज करोगे तो जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो बेटर हो सकती थी। Redmi Y2 आता है Qualcomm Snapdragon 625 के साथ। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो क्लॉक्ड है 2 GHz पे, और ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स खेलने के लिए इस फोन में हमें मिलता है Adreno 506 GPU। एक बार आप ये गेम प्ले देख लो। Asphalt 8 खेल रहा हूँ मैं मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स पे, और मुझे किसी भी तरह के लैग्स और फ्रेम ड्रॉप्स नहीं देखने को मिल रहे। ये फोन इस गेम को परफेक्टली हैंडल कर लेता है। लेकिन जैसे ही मैंने PUBG खेलना स्टार्ट करा, तो आप नोटिस करोगे कि HD ग्राफिक्स पे आप इस गेम को नहीं खेल सकते, सिर्फ स्मूथ ग्राफिक्स और बैलेंस ग्राफिक्स पे ही खेल सकते हो। बैलेंस ग्राफिक्स पे खेलते टाइम जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्मूथ है, बट मैं फ्लॉलेस नहीं कहूँगा, बिकॉज थोड़े बहुत माइनर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मुझे मिल रहे हैं। अब बात करें अगर इस फोन की सेलुलर रिसेप्शन और कॉल क्वालिटी की, तो इस फोन में एक्सेलेंट कॉल क्वालिटी देखने को मिली। मुझे किसी भी तरह के कॉल ड्रॉप्स भी देखने को नहीं मिले थे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी कि ये फोन डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप 2 Jio की सिम कार्ड यूज करते हो, या इनफैक्ट Jio या Airtel यूज करते हो, तो आप फर्स्ट सिम में 4G डेटा यूज कर सकते हो, बट सेकेंड सिम में आपको 3G डेटा से ही काम चलाना पड़ेगा। और इस फोन में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू Xiaomi डुअल 4G वोल्टी को अगर एनेबल कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 10,000 रुपीज का फोन है और मैं कंप्लेंट करूं कि इस फोन में डुअल 4G वोल्टी नहीं मिलती, तो यस, ये एक बहुत बड़ा कॉन है, बिकॉज आज की डेट में हमें ओप्पो रियलमी 1 जो 9,000 रुपीज से स्टार्ट होता है, उसमें डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है। और कुछ लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि क्या इस फोन में फिजिकल LED लाइट मिलती है या नहीं, तो यस, इस फोन में फिजिकल LED लाइट मिल जाती है। अब बात करें इस फोन के स्पीकर की, तो इस फोन में हमें सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, बट द आउटपुट इज प्रीटी लाउड। अगर आप हैवी ट्रैफिक में भी हो और अगर आपने वाइब्रेशन एनेबल नहीं कर रखी, तब भी आपके कॉल्स मिस नहीं होंगे। और इस फोन में हमें 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है, बट उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, बिकॉज जो आउटपुट था वो एवरेज था, कुछ खास नहीं था, जैसा कि हमने MIA1 और ओप्पो रियलमी 1 में देखा है। वेल, अगर सॉफ्टवेयर देखा जाए तो इस फोन में हमें मिलता है MIUI 9.5 ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड ओरियो 8.1। MIUI काफ़ी सारी फीचर्स के साथ आता है, जिसके लिए आपको अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। आप इस फोन में कॉल रिकॉर्डिंग का यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी यूज़ कर सकते हो, और डुअल एप्स फीचर भी इस फोन में मिल जाता है, जिसकी मदद से आप 2 WhatsApp अकाउंट और 2 Facebook अकाउंट जैसी अन्य एप्लीकेशन को भी यूज़ कर पाओगे। और जो इस फोन का यूजर इंटरफेस है, उसमें मुझे किसी भी तरह के लैग्स देखने को नहीं मिले। मल्टीटास्किंग करते टाइम मैं बार बार ऐप्स में स्विच कर रहा था और मुझे किसी भी तरह के लैग्स इस फोन में देखने को नहीं मिले। इनफैक्ट ये फोन 3GB रैम के साथ आता है, बट जो रैम मैनेजमेंट है इस फोन का, वो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है। 7 से 8 एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम मेमोरी में रहती है, जिसकी वजह से बार बार ऐप्स जो है वो आपकी रीलोड नहीं होंगी। इस फोन में हमें रेयर में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, और साथ ही साथ आप फेस अनलॉक का भी यूज कर सकते हो। पहले बात करूं अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो ये काफी एक्यूरेट है, मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये अनलॉक नहीं कर रहा फोन को। 10 out of 10 टाइम्स ये प्रॉपरली वर्क करता है, और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, और ये ब्लेजिंग फास्ट है, मतलब आप अपने फिंगर टैप करो और ये फोन को अनलॉक कर देता है। बात करें अगर फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक भी मुझे इसका काफी पसंद आया। इनफैक्ट मैंने आंखें बंद करके भी ट्राई करा और ये फोन को अनलॉक नहीं करता। लो लाइट कंडीशंस में या फिर रूम की जब लाइट पूरी बंद थी, तब भी मेरी फोन की ब्राइटनेस अराउंड 40% थी, और ये तब भी प्रॉपरली वर्क करता है। तो जो इस फोन का फेस अनलॉक है, वो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है। फाइनली बात करें अगर इस फोन के कैमरा की, Redmi Y2 में हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है रेयर में।
12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है जो हेल्प करता है डेप्थ मेजर करने में। और ये इमेजेस मैंने कैप्चर करी है डेलाइट कंडीशंस में। आप नोटिस करोगे जो इमेजेस में कलर कॉन्ट्रास्ट है वो मेरे को ठीक देखने को मिला है, जो कलर्स है वो वेल सैचुरेटेड हैं, लेकिन जो शार्पनेस है उससे मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बिकॉज अगर मैं कंपेयर करूँ रेडमी नोट 5 प्रो की इमेजेस से तो रेडमी नोट 5 प्रो की इमेजेस ज़्यादा शार्प आती है एज कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो इस फोन के काफ़ी अमेजिंग है। ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच में डिस्टेंस प्रॉपरली मेजर कर लेता है, एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं वो काफी इंप्रेसिव है। 10,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में ये पहला ऐसा फोन है जिसका पोर्ट्रेट मोड मुझे इतना ज्यादा पसंद आया है। फाइनली ये इमेजेस मैंने कैप्चर करी थी लोलाइट कंडीशंस में, और लोलाइट कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा नॉइस देखने को मिल रही है और जो डिटेल्स है वो भी इनफ नहीं है। ये फ़ोन लोलाइट कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। इस फोन में हमें 16 मेगापिक्सल AI पावर्ड फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हो। ये एजेस मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है और ओवरऑल काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट सेल्फीज आप कैप्चर कर सकते हो। डेलाइट कंडीशंस में जो मैंने इमेजेस कैप्चर करी हैं उसमें इनफ डिटेल्स देखने को मिली है और जो स्किन टोन्स हैं वो भी काफ़ी नेचुरल देखने को मिला है। बट जैसे ही मैं मूव करता हूँ लोलाइट कंडीशंस में तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी नॉइस देखने को मिली है इमेज में, और जो शार्पनेस है वो थोड़ी कम है। बट इस फोन में हमें डेडिकेटेड फ्लैश मिल जाती है फ्रंट में, और फ्लैश ऑन करने के बाद नॉइस लेवल्स थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं और ओवरऑल इमेज काफ़ी शार्प हो जाती है। ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डेलाइट कंडीशंस में, और जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। अब एक बार फोकस चेक कर रहा हूँ मैं, और ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बेस्ट पार्ट ये है इस फोन की कि इस फोन में हमें जायरोस्कोप बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन मिल जाती है। तो अब मैं आपको एक बार भाग के दिखाता हूँ, और जैसा कि आप देख ही सकते हो अमेजिंग स्टेबिलाइजेशन देखने को मिल रही है वीडियो में। ये फोन 4K वीडियोस तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट इसमें EIS मिली है, इस चीज़ से मैं काफ़ी खुश हूँ। दो पॉइंट्स ऐसे हैं इस फोन के जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आए। फर्स्ट, इस फोन में हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलता, तो आप दो सिम कार्ड्स के साथ अलग से मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, और 32GB इंटरनल स्टोरेज अगर आपके लिए इनफ नहीं है तो आप मेमोरी को इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। सेकंड, इस फोन में हमें 3080mAh की बैटरी मिलती है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि Redmi Note 5 में हमें 4000mAh की बैटरी मिलती है, बट द पॉइंट इज कि इस फोन को मैंने डुअल सिम कार्ड्स के साथ यूज़ किया है और ये फोन मेरे को इजीली 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे रहा था। जब मैंने Redmi Note 5 यूज़ किया था वो भी मेरे को 1.5 दिन से ऊपर का बैटरी बैकअप नहीं देता था, बट इस फोन में 720p डिस्प्ले मिलती है, और हम सबको पता है कि 720p डिस्प्लेस जो है वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करती, और MIUI 9.5 जो है वो इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है Xiaomi ने कि ये फ़ोन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम ही नहीं करता। मैं काफ़ी सारा म्यूज़िक सुनता हूँ ब्लूटूथ स्पीकर्स पे, यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, सारा दिन यूट्यूब के कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, जीमेल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं जिनका मैं रिप्लाई करता हूँ, और मुझे काफ़ी कॉल्स भी आते हैं, स्टिल ईजिली ये मेरे को 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। इस फोन में हमें सभी तरह के सेंसर्स भी मिल जाते हैं, लाइक जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर और ऑटो ब्राइटनेस सेंसर। इनफैक्ट इस फोन के अंदर हमें आयर ब्लास्टर भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने AC और टेलीविजन को भी कंट्रोल कर सकते हो। जायरोस्कोप सेंसर मैंने टेस्ट किया था YouTube 360 वीडियोस प्ले करके, और ये वर्क भी प्रॉपरली करता है, किसी भी तरह के लैग्स मेरे को देखने को नहीं मिले। फाइनली बात करें अगर इस फोन के कुछ कॉन्स की, तो 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे इस फोन के पसंद नहीं आए। स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन में प्लास्टिक डिजाइन देखने को मिलता है, जबकि मैं अगर इसको बाकी कंपनीज के फोन से कंपेयर ना भी करूँ तो Xiaomi के ही Redmi Note 5 में हमें मेटेलिक डिजाइन देखने को मिला था, जबकि ये फोन कंप्लीटली प्लास्टिक से बना हुआ है। सेकेंड, इस फोन में हमें फुल HD+ डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। Xiaomi ने इस पर कॉस्ट कटिंग करी है और इस फोन में हमें 720p HD+ डिस्प्ले दी है। नो डाउट 720p डिस्प्ले होने की वजह से हमें बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है और GPU पे ज़्यादा लोड नहीं आता, जिसकी वजह से हमें बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। बट जब आप बुक्स रीड करते हो फोन में या न्यूज़ रीड करते हो किसी एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको जो टेक्स्ट है वो उतना शार्प देखने को नहीं मिलता, अगर मैं कंपेयर करूँ एक फुल HD डिस्प्ले से। और जो इस फोन की आउटडोर विजिबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट में जब मैं टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि मुझे बाकी फोन्स में जनरली नहीं होती। थर्ड, ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। फोर्थ, इस फोन के अंदर हमें डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट भी नहीं मिलता। फिफ्थ, अगर आपको लो लाइट कंडीशंस में इमेजेस कैप्चर करना पसंद है
तो जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे। अगर मैं कंपेयर करूँ इस प्राइस सेगमेंट के बाकी फ़ोन से तो ओप्पो रियलमी 1 लो लाइट कंडीशंस में इस फ़ोन से फार बेटर परफॉर्म करता है। बट जैसे कि हर फ़ोन के कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ प्रोज होते हैं, तो ओप्पो रियलमी 1 से आप ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर नहीं कर सकते। और 10,000 रुपये के अंदर अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स पसंद है कैप्चर करना तो रेडमी वाई 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये बात मैं पूरे खुले में बोलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इस फोन को परचेज करने का सोच रहे हो तो प्रोज और कॉन्स दोनों को ही कंसिडर करोगे और उसके बाद डिसाइड करोगे कि ये फोन आपके लिए सही है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।